फ्रेंड अभी के टाइम पर अपने फ्री फायर गेम के अंदर ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है ना जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। चलो गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ कि भाई अभी अपने फ्री फायर गेम के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। और उसी के साथ मैं आप लोग को बता दूं इस वीडियो में मैं एंड में 1000 डायमंड का टॉपअप का गिवे भी करूंगा। किसी एक लकी विनर को निकालकर उसको 1000 डायमंड का टॉपअप का गिवे कर दूंगा। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो काफी ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो यहाँ पर गरीना वालों की जो मार्केटिंग है अपने इंडिया में काफी ज्यादा लॉस में चल रही है, घाटे में चल रही है। जी हाँ फ्रेंड, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर गरीना वाले इंडिया में ज्यादा कमाई अब नहीं कर पा रहे हैं। और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो इंडिपेंडेंस डे पे जो गरीना वालों ने जो गलती की थी उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर मार्केटिंग काफी ज्यादा लॉस में जा रही है गरीना वालों की। उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर गरीना वालों ने 3 क्रिमिनल बंडल जो रह गए थे गाइस वो भी रिटर्न देने का फैसला कर लिया है। जो कि यहाँ पर आप लोग इस इवेंट के अंदर 3 क्रिमिनल बंडल देख पा रहे, येलो हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल कलर का जो क्रिमिनल बंडल गाइस ये भी अब आप लोग को अपने इंडिया में रिटर्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि गाइस यहां पर आप गरीना वालों का अपना जो प्रॉफिट है वो तो निकालना ही पड़ेगा अपने इंडिया से। क्योंकि गाइस यहां पर अभी आप लोग इतना दिमाग तो लगा सकते हो कि जब रेड क्रिमिनल बंडल अपने रिटर्न दिया था अपने गेम के अंदर तो उसी के साथ में यहां पर जो 3 क्रिमिनल बंडल रह गए वो भी रिटर्न दे सकते थे, बट गाइस उस टाइम रिटर्न नहीं दिया। बट उनको ये लगा था कि सिर्फ और सिर्फ रेड क्रिमिनल बंडल रिटर्न देंगे तो उससे ही यहां पर प्रॉफिट काफी ज्यादा हो जाएगा, बट गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। यहां पर बहुत बड़ी गलती हो गई थी इन लोगों से 15 अगस्त के मौके पर, तो यहां पर काफी ज्यादा घाटे में कंपनी जा चुकी है। तो इसलिए अब गरीना वालों ने फैसला कर लिया है कि 3 क्रिमिनल बंडल यहाँ पर जो वेब इवेंट के अंदर आप लोग देख पा रहे हो ये रिटर्न देखने को मिलेंगे। बट गाइस यहाँ पर मेरे को अभी भी लगता है कि यहाँ पर इंडिया का कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पर टॉपअप वगैरह कराएगा और यहाँ पर ये इन 3 क्रिमिनल बंडल को निकालने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया के प्लेयर्स हैं अब वो अपने हिंदुस्तान को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं और अब उनके समझ में आ गया है कि यहाँ पर अपना जो है टॉपअप वगैरह नहीं कराना, डायमंड में फालतू पैसा नहीं फेंकना है। बाकी इस चीज के ऊपर आप लोग का क्या ओपिनियन है आप लोग अपने बारे में जरूर से बता देना कमेंट में। आप लोग भाई टॉपअप कराओगे नहीं कराओगे, जो क्रिमिनल बंडल और आने वाले 3 उनको निकालोगे नहीं निकालोगे इस बारे में जरूर से कमेंट में बता देना। बाकी चलिए फ्रेंड अभी लास्ट में बात कर लेते हैं भाई वो लकी विनर कौन है जिसका मैं इस वीडियो में 1000 डायमंड का टॉपअप का गिवअवे करने वाला हूं। तो फ्रेंड वो लकी विनर आप ही लोगों में से एक बंदा होगा, बस करना कुछ नहीं है फ्रेंड, आप लोग को अपनी यूआईडी कमेंट कर देना इसी वीडियो में। जी हां फ्रेंड, आप लोग को बहुत प्यारी से कमेंट करनी है एंड अपनी यूआईडी भी जरूर से कमेंट कर देना। मैं शाम में 7 बजे टू नाइट वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो में मैं एक लकी विनर को निकालकर 1000 डायमंड का टॉपअप का गिवअवे कर दूंगा और उस बंदे का मैं नाम भी बता दूंगा किसका मैंने 1000 डायमंड का टॉपअप का गिवअवे किया है, ठीक है। तो शाम में 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी, टू नाइट वाली वीडियो जरूर से देख लेना। एक लकी विनर को निकालकर मैं 1000 डायमंड का टॉपअप का गिवअवे कर दूंगा, ठीक है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक मारो एंड अगर चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।